कपास में पिंक बॉलवर्म, गुलाबी इल्ली कीट। पिंक बॉलवर्म कपास का एक प्रसिद्ध कीट है जिसका नियंत्रण फसल के अंतिम चरणों में कठिन हो जाता है। अक्सर इल्लियों की संख्या अधिक बढ़ने के पश्चात ही इस कीट पर ध्यान जाता है और इस अवस्था में इनका नियंत्रण करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए फसल और खर्चों को बचाने के लिए एकीकृत कीट प्रबंधन अहम है। पिंक बॉलवर्म की इल्लियां बढ़ते समय रंग बदलती हैं। छोटी इल्ली सफेद होती है और बढ़ने के बाद काली, भूरी एवं हरी या हल्की गुलाबी रंग की हो जाती है। अक्सर उनके पीठ पर कई हल्की और गहरी आड़ी धारियां होती हैं। वयस्क पतंगे के पंख पीले या भूरे धूसर होते हैं। उनके आगे के पंख पर काले धब्बे दिखाई देते हैं। संक्रमित फसल में गुच्छेदार कली दिखने लगती है। बॉल, टिंडे, गुलरों में छेद बन जाते हैं और निकास छिद्र पर कीट का मल दिखने लगता है। इल्ली बगल के बीजों में खिड़की जैसे छेद बना देती हैं। इस इंटरलोक्युलर बरोइंग की वजह से दोहरे बीजों का निर्माण हो जाता है। संक्रमित कली और अपरिपक्व बॉल झड़ जाते हैं। एकीकृत प्रबंधन के लिए खेत की सीमा पर और सिंचाई के बंड के साथ अरंडी का पौधा उगाइए। फसल से अंडों के गुच्छों को निकालिए और नष्ट कीजिए। शुरुआती अवस्था में उपस्थित इल्ली के झुंड को मार दीजिए। फसल अवशेष को इकट्ठा करके उसका नाश कर दीजिए। बड़ी इल्ली को हाथों से निकालकर नष्ट कीजिए। प्रकाश ट्रैप का उपयोग कीजिए और पकड़े गए पतंगों को मार दीजिए। कीट पर निगरानी के लिए और सही वक्त पर कीटनाशक लगाने के लिए यदि जरूरत हो तो उच्च गतिविधि की अवस्था में 12 प्रति हेक्टर की दर से सेक्स फेरोमोन ट्रैप लगाइए। फसल की 100 मीटर की पंक्ति में 8 अंडे के गुच्छे मिलना इस कीट का इकोनॉमिक थ्रेशहोल्ड लिमिट है। उच्च वॉल्यूम स्प्रेयर की मदद से पौधों पर क्लोरोन ट्रेनिलिपोल 18.5% SC 150 ml एवं डाइफ्लूबेंजुरोन 25% WP 300 से 350 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव कीजिए। तो किसान भाइयों, थोड़ी सी सावधानी बरतने से आप सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। ऐसी और अधिक जानकारी के लिए हमारी कृषि ई विज्ञान सीरीज के साथ बने रहिए।